कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच में एक और बड़ा संकट टिड्डियों के झुंड के रूप में शाजापुर शहर में प्रवेश कर चुका है। दरअसल पिछले दो दिनों से प्रदेश के कई जिलों से टिड्डियों का एक दल देखने की खबर मिल रही थी। खेतों में काफी मात्रा में टिड्डी का दल देखा गया, जिसे भगाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ये भागने को तैयार नहीं है। उड़कर वापस उसी जगह बैठना इसकी प्रगति में है। ऐसे ही नजारे 19 मई को शाजापुर में देखने को मिले। शाजापुर को आगर जिले से जोड़ने वाले काकड़ी बिजाना मार्ग पर काफी मात्रा में सड़कों और उसके आसपास टिड्डियों का झुंड बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसका एक वाहन चालक ने वीडियो बना कर दिया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वह हॉर्न बजाकर टिड्डियों को उड़ा रहा है। और इतनी तादाद में शाजापुर जिले के लोगों ने पहली बार टिड्डियों का दल देखा है, जिससे उनके अंदर एक दहशत भी बैठ गई है कि आखिर में यह है क्या। जैसे ही टिड्डियों के दल ने शहर के बीच से निकली चिल्लर नदी से होते हुए महुपुरा की ओर घुसे लोगों ने इन्हें देखने के लिए अपनी छतों पर पहुंचे तो देखा कि भारी मात्रा में कौन सा जानवर है और सभी के अंदर दहशत बैठ गई। जब इसकी जानकारी लेने हमारे संवाददाता कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर कायम सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि टिड्डियों का दल पाकिस्तान बॉर्डर से होते हुए राजस्थान गुजरात होते हुए शाजापुर पहुंचा है और ये रास्ते की सभी फसलों को चट करते हुए आगे बढ़ रहा है, साथ ही मिट्टियों को भी इससे नुकसान है। हालांकि उन्होंने एक राहत भरी बात ये बताई कि इससे इंसानी जीवन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। वहीं उन्होंने बताया कि अब किसान अपने खेतों में दवाई का छिड़काव करे, वहीं थाली एवं कुछ भी जिससे शोरगुल हो उसे बजाकर उन्हें भगाया जा सकता है। फिलहाल कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दल गठित कर इन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि इन्हें ज्यादा देर एक जगह न बैठने दें, क्योंकि ये जिस जगह बैठ जाते हैं उस मिट्टी को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। मैं बाहर खड़ा हुआ था अपनी दुकान पर और एकदम सामने ऊपर आसमान में बहुत ज्यादा मात्रा में ये टिड्डी जैसा कोई जानवर था जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे आसमान पे छा गया एकदम, और धरती पर छांव जैसा हो गया था। तो मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा भय से ग्रस्त हो गया था कि एक तरफ तो हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और एक तरफ ये कौन सी चीज़ आ गई जो पूरे शहर के ऊपर एकदम बिल्कुल छा गई है। ये एक टिड्डी का दल आया हुआ है, ये जो पाकिस्तान बॉर्डर से होते हुए गुजरात राजस्थान और अपने ये नीमच से होते हुए शाजापुर में आ गया है। ये टिड्डी का दल है, ये फसलों को बहुत ही भयंकर और जो भी वनस्पति है उसको एकदम से चट कर देती है, बहुत ही नुकसानदायक टिड्डी का दल आया हुआ है। उप संचालक किसान कल्याण पर कृषि विभाग द्वारा किया जा चुका है और हमारा भी वैज्ञानिक और कृषि विभाग संयुक्त रूप से दल का भ्रमण कर रहा है। सर, इसके बचाव के लिए क्या किया जाएगा? इसके बचाव के लिए जो गांव में और शहर में जो टिड्डी दल आया हुआ है और जहां भी दिखे तो ये घरेलू उपाय इनको शोरगुल करके भगाया जा सकता है। भगाने का प्रयत्न सभी किसान भाई मिलके किए तो इससे बचाव हो सकता है। दूसरा वैज्ञानिक उपाय है, जिससे क्लोरपाइरीफास 20% ईसी वाला 1200 ml या लेमदा साइलोथ्रिन 5% ईसी का और इसकी 400 ml मात्रा या पाउडर क्यूनालफास 1.5% वाला पाउडर 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम भुरकाव किया जाए तो इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। शाजापुर से हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।